हिंदुस्तान ने गैर मुल्की प्रवासों पर लगी पाबंदी में 31 अगस्त तक की तौसी कर दी है। हिंदुस्तान के डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन यानी DGCA ने जुमा 30 जुलाई को कोरोना वायरस वबा के सबब बैनुल अक्वामी प्रवासों पर लगी रोक को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रवासों पर लगी पाबंदी की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। DGCA के सर्कुलर में बताया गया है कि ये पाबंदी लंबे वक्त तक नहीं चलेगी और इसे केस बाय केस या कंट्री बाय कंट्री की बुनियाद पर माना जाएगा। हालांकि DGCA के सर्कुलर के मुताबिक इंटरनेशनल कार्गो जैसी प्रवासों को नकलो हमल की इजाजत दी गई है। हिंदुस्तान ने गैर मुल्की परवाजों पर लगी पाबंदी में 31 अगस्त तक की तौसी कर दी है। हिंदुस्तान के डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने 30 जुलाई को कोरोना वायरस वबा के सबब बैनुल अक्वामी परवाजों पर लगी रोक को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। परवाजों पर लगी पाबंदी की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। DGCA के सर्कुलर में बताया गया कि ये पाबंदी लंबे वक्त तक नहीं चलेगी और इसे केस बाय केस या कंट्री बाय कंट्री की बुनियाद पर माना जाएगा। हालांकि DGCA के सर्कुलर के मुताबिक इंटरनेशनल कार्गो जैसी परवाजों को नकलो हमल की इजाजत दी गई है। हिंदुस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात, अमेरिका, ब्रिटेन, केन्या, भूटान, नेपाल और फ्रांस समेत 24 ममालिक के साथ एयर बबल समझौते किए हैं। इससे पहले घरेलू परवाजों को कोरोना की लहर के दौरान 65% गुंजाइश के साथ ऑपरेशन की इजाजत दी गई थी। हालांकि अब मुसाफिरों की गुंजाइश को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है, लेकिन अब ज्यादातर मुसाफिर सफर करने से कतरा रहे हैं। दूसरी जानिब कतर के वजारत सेहत ने कोरोना वायरस के ताल्लुक से नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश, हिंदुस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस और श्रीलंका से आने वाले मुसाफिर कोरोना वैक्सीन लगवा चुके या कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं तो उन्हें भी 2 दिनों के लिए होटल में क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। दूसरे दिन नेगेटिव PCR टेस्ट रिजल्ट आने के बाद क्वारंटीन को खत्म कर दिया जाएगा। कतर में गैर मुल्की परवाजों पर लगे बैन की वजह से UAE के लोगों को हिंदुस्तान के सफर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ताहम इस फैसले का असर उन हिंदुस्तानी शहरियों पर पड़ेगा जो बैरून मुल्क में फंसे हुए हैं और हिंदुस्तान के सफर का ख्याल रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हिंदुस्तान ने गैर मुल्की परवाजों पर लगी पाबंदी में 31 अगस्त तक की तौसी कर दी है। इसके साथ ही हिंदुस्तान के डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन यानी DGCA ने जुमा 30 जुलाई को कोरोना वायरस वबा के सबब बैनुल अक्वामी परवासों पर लगी रोक को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। शोएब रजा हमारे नुमाइंदे फोनलाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। शोएब, पहले ये गाइडलाइन दूसरी थी, अब इसे अगस्त तक बढ़ा दिया गया है, कैसे देखें? ये कोरोना की जो दूसरी लहर है वो खत्म हो गई हो और कोरोना के जो केसेस है वो बेहद कम हो हुए हो, लेकिन एहतियात जरूरी है, सरकार इस बात को जान रही है, इसीलिए जो गाइडलाइन है या जो तौसी है वो 31 अगस्त तक इसको कर दी गई है, तो इसको बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह ये भी है कि बाहर से, क्योंकि हमने देखा था कि शुरुआत में जो कोरोना के जो केसेस आए थे, ये सबको पता है कि चाइना से इसकी शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला। भारत में भी बाहर से लोग आए या भारत के ही लोग बाहर गए हुए थे वो बाहर से आए और फिर ये पूरे इंडिया में भी इसका जो कोहराम है वो देखने को मिला। तो सरकार अब उसके बाद पिछले 2 साल से इस चीज को लेकर एहतियात बरतती नजर आ रही है कि वो इसको बहुत ही ज्यादा संजीदगी से ले, अचानक से इस तरह से परवाजों को ना खोला जाए जिससे अगर केसेस बढ़ते हैं तो उसको कंट्रोल ना किया जा सके। इसीलिए अभी जिस तरह से एक अंदेशा ये जताया जा रहा है कि शायद तीसरी लहर भी आएगी अगर इस तरह के कोई भी जो खतरात है वो नजर आते हैं, हुकूमत उसको फौरन रोकने के लिए इकदाम उठाएगी और उसमें जो इंटरनेशनल प्रवासे हैं उसका कहीं ना कहीं एक रोल हो जाता है कि अगर बाहर से लोग ज्यादा आते हैं या भारत के लोग भी बाहर जाते हैं तो इसलिए उनको रोका जाए जिससे कोरोना के जो केसेज है वो ना बढ़े। तो अभी 31 तक इसको बढ़ाया जरूर गया है, लेकिन सरकार की तरफ से या जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से कहा गया है कि वो देखेंगे कि केस बाय केस किस तरह से जो सिचुएशन है वो अच्छी हो रही है या खराब हो रही है, क्योंकि इस तरह की खबरें आई थी कुछ दिन, मतलब दो तीन दिन पहले भी, केरल में जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। ये तमाम जो खबरें हैं वो फिर से उस तरह के खतरात की तरफ इशारा देती है, इसलिए
हुकूमती सतह पर यह फैसला लिया गया है कि अभी फिलहाल जो प्रवासी हैं उन पर पाबंदी आयद रहेगी। उसके बाद देखा जाएगा, समीक्षा की जाती रहेगी कि किस तरह के हालात बनते हैं और फिर उसी हिसाब से प्रवासियों को खोला जाएगा। तो अभी जो भारत के लोग बाहर यानी कि विदेश की यात्रा करना चाहते हैं या वो यहाँ पर आना चाहते हैं इंडिया में, अगर बाहर के लोग, तो उनके लिए कम से कम कहा जा सकता है कि अभी किसी तरह की प्रवास उनके लिए नहीं होगी। हालांकि कुछ ममालिकों के लिए जरूर जो प्रवास है वो रहेगी, लेकिन चाहे वो यूएई हो या दूसरे जो ममालिक हैं उनके लिए इंटरनेशनल जो प्रवास पर पाबंदी थी या जो शोएब 24 ममालिक के साथ एयर बबल समझौते हुए थे, इससे पहले घरेलू प्रवासों को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 65% गुंजाइश के साथ ऑपरेशन की इजाजत दी गई थी। टूरिज्म को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो एयर बबल अगर समझौते की बात करें तो 24 मुल्कों के साथ ये समझौता है। इसका जो सर्कुलर है उसमें इस बात का जिक्र बाकायदा किया गया है कि जो प्रतिबंध है वो लंबे वक्त तक नहीं चलेगा और जो केसेस है वो केस बाय केस या कंट्री बाय कंट्री के आधार पर इसको माना जाएगा। इस दौरान कुछ उड़ानों की अनुमति जरूर दी गई है, जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ान के संचालन की इजाजत अभी होगी, इसमें चाहे भारत ने क्योंकि संयुक्त जो यूएई है, अमेरिका, ब्रिटेन, नेपाल या भूटान या फ्रांस की बात करें तो 24 आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे पास टूरिस्ट एक्सपर्ट तारिक गनी साहब भी जुड़ गए हैं। तारिक साहब, खैर मकदम है आपका जी सलाम है। तारिक साहब, जिस तरीके से प्रवासों पर जो पाबंदी आयद की गई थी 31 जुलाई तक उसकी डेडलाइन थी, लेकिन अभी से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है, टूरिज्म कितना बड़ा लॉस होगा, टूरिज्म के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा? देखिए, मैं ये कहना चाहिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम तो वेट कर रहे थे ये ट्रैवल एडवाइजरी कब उठेगी, मगर अब ये एक्सटेंड हो रही है। आपको पता है हमारा टूरिज्म पहले ही आर्टिकल 370 से बैठा है, अब थोड़ा सा रिवाइव होने लगा था, फिर कोविड हो गया, अब कोविड के बाद फिर से थोड़ा सा काम शुरू हमने किया था, मगर ये जो टूरिज्म एडवाइजरी लग गई ये इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा टूरिज्म पे, क्योंकि हमारे बाहर के लोग बहुत अपने जो होते हैं इंडियन जो दुबई में सेटल होते हैं वो यहाँ वकेशंस पर आते हैं, वो थोड़ा सा उससे टूरिज्म बढ़ जाता है और जो बाहर के टूरिज्म वाले हैं वो आ पाए नहीं पाएंगे और इससे बैड सिग्नल जाती है टूरिज्म के लिए। बिल्कुल, कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो कश्मीर के लिहाज से जो अभी सीजन है वेकेशन सीजन है, ऐसे में बहुत लोग कश्मीर का रुख करते हैं, लेकिन प्रवासों पर जिस तरीके से पाबंदी आयद कर दी गई है जाहिर सी बात है टूरिज्म वहां का मुतासिर होगा। अब कोरोना के केसेस कम हो रहे थे, आप लोगों को भी उम्मीद थी कि भाई मामूलाती जिंदगी जो है वो पटरी पर लौटेगी, लेकिन वहां के लोग जो मकामी जो लोग हैं इस पेशे से जुड़े हुए हैं उनके लिए किस तरह के हालात अभी पैदा हो सकते हैं? देखिए जी, लोगों के लिए बहुत बुरे हालात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि आप देखते हैं टूरिज्म सिर्फ होटल नहीं होता है, टूरिज्म से जुड़े हुए हैंडीक्राफ्ट वाले होते हैं, शिकारा वाला, टैक्सी वाला, पोनी वाला होते हैं, इसमें तो इन सब का बिजनेस तो टोटली बैठ गया। अब और हम हर बारी अपने आप को तैयार करते हैं, नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, नया पैसा लगाते हैं, होटल्स को रेडी रखते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हर बार हमारे साथ यही होता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम हो गई और हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक आ गई जो फ्लाइट्स का कैंसिल हुआ है। शोएब भी हमारे नुमाइंदे लगातार हमारे साथ बने हुए। शोएब, सिर्फ कश्मीर की अगर बात ना की जाए तो जितनी भी हिल स्टेशन की अगर हम बात करें तो जो लोग घूमने के शौकीन होते हैं इस मौसम में रुक करते हैं हिल स्टेशन का, लेकिन पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से भले ही मामले कम है लेकिन तीसरी लहर आने का खदशा बना हुआ है, ऐसे में तमाम एहतियात बरती जा रहे हैं, लेकिन टूरिज्म को किस तरीके से पटरी पर लाया जाए और खासकर उन लोगों के लिए क्या किया जाए जो इस पेशे से जुड़े हुए, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए, जो सैयाह है वो चाहे गैर मुल्की सैयाह की बात करें या हमारे मुल्क के भी जो सैयाह इन दिनों बाहर घूमने के लिए दूसरे जो सूबे हैं वहां पर जाते हैं या गैर मुल्की सैयाह भारत आते हैं, तो यकीनन उन तमाम जो कारोबारी है जो इस कारोबार से जुड़े हैं टूरिस्ट के न आने से बेहद परेशान है और ये पिछले 2 सालों से लगातार हो रहा है, लेकिन सरकार यही कह रही है बार बार कि वो इन तमाम चीजों को देख रही है और पुशअप करने के लिए भी इस कारोबार को सरकार की तरफ से कदम उठाए जाएंगे, लेकिन अभी सिचुएशन उस तरह की नहीं है कि बहुत भारी भीड़ विदेशी आकर हमारे मुल्क में वो सैर करे, अलग अलग जगहों पर जाए, क्योंकि उससे और ज्यादा जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। हालांकि बीच के दिनों में जरूर चाहे वो राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, इन तमाम जगहों पर जो टूरिस्ट है वो जाते रहे हैं, लेकिन विदेशी टूरिस्टों का जो मामला है वो थोड़ा सरकार की तरफ से अभी यही कोशिश की जा रही है कि वो लोग ना आ पाए
इसीलिए क्योंकि जो कोरोना के अगर मामले हैं वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए और लोगों की जिंदगी फिर से खतरे में ना हो, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अब आगे अगर हालात इस तरह से कंट्रोल में होते हैं कि जो खतरे हैं कोरोना के वो कम से कम कहा जाए कि वो नहीं बढ़ते, तो फिर आप सरकार की तरफ से ये कदम उठाए जाएंगे यकीनन, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार इस तरह से कोई जो इस तरीके से कदम है वो ये भी उठाए कि चाहे वो इस इंडस्ट्री को कुछ फाइनेंशियली या दूसरे तरीके से मदद दे ताकि जो लोग हैं वो उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनके रोजगार पर इस तरह से असर ना हो, तो टूरिस्ट भी इसी तरह से कोशिश जो इस कारोबार से जुड़े हैं वो कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा यकीनन सब्र करना होगा। बिल्कुल सब्र करना होगा, लेकिन तारिक साहब जैसे कि टूरिज्म एक्सपर्ट है वो हमारे साथ लगातार बने हुए। तारिक साहब, गैर मुल्की परवाजों पर पाबंदी है लेकिन जो नेशनल फ्लाइट्स हैं, जो घरेलू उड़ाने हैं, उन पर किसी तरह की अभी पाबंदी नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो बाहर से जो सैयाह आते हैं उनकी तादाद ज्यादा होती है कश्मीर आने वालों में, या अपने ही मुल्क से सैयाह ज्यादा पहुंचते हैं, और ऐसे में जब केसेस कम हुए तो और अभी कितने सैयाह पहुंच रहे हैं वहां पर, कुछ बदलाव आया है? देखिए, थोड़ा सा तो अब रिवाइव होने लगा था, मगर हमारा ऐसा होता है जो अपना डोमेस्टिक टूरिज्म होता है ये हमारा होता है मई जून तक, जुलाई अगस्त हमारा फॉरेन टूरिज्म होता है क्योंकि बाहर के वो स्कूल्स खुल जाते हैं, तो हमारा मेन सीजन होता है जुलाई अगस्त में, हम बाहर के इंटरनेशनल टूरिज्म कैटर करते हैं। मगर अब जब उस पर पाबंदी लग गई तो इंटरनेशनल आने का सवाल ही नहीं है, मगर फिर भी ऊपर वाले के मेहरबानी से हमने थोड़ा सा काम किया, आजकल भी आ रहे हैं टूरिज्म, मतलब अपने डोमेस्टिक इंडियन टूरिज्म आ रहा है, मगर उतनी लेवल तक भी नहीं आ रहे हैं जितने आने चाहिए थे। असली ये सीजन जो है ये आप इंटरनेशनल टूरिस्ट का सीजन होता है, फॉरेनर्स आते हैं मेनली जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर से हमारा फिर से हो जाता है अपना डोमेस्टिक टूरिज्म। मगर हमारी अपनी बदकिस्मत ये फ्लाइट्स पर बैन लग गई और इससे बैड सिग्नल भी जाती है, इस वजह से टूरिज्म में बहुत बड़ा धचका लग गया, मगर फिर भी हम चाहते हैं कि ये अच्छी कोई मैसेज जाए, ऐसा कुछ ना मैसेज जाए ताकि सब कुछ ठीक है, कम से कम हम डोमेस्टिक टूरिज्म ही इस वक्त कैटर कर सके, क्योंकि यहाँ J&K के लोगों ने बहुत ज्यादा परेशानी उठाई है रिगार्डिंग टूरिज्म, यहाँ बिल्कुल सब कुछ बैठ गया है। बिल्कुल, लेकिन तारिक कनिक साहब, अगर मैं हुकूमत की बात करूं जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से जो एक पैकेज दिया गया है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, सैयाह कारोबार से जुड़े हुए, उनको कुछ राहत देने की इंतजामिया की जानिब से, सरकार की जानिब से कोशिश हुई है, क्या उससे कुछ फर्क पड़ा है? देखिए, इंतजामिया ने तो अपनी तरफ से कोशिश की है, क्यों नहीं होगी, होगी जरूरी, मगर अब ये पैकेज थोड़ा सा और मिलना चाहिए, ये पैकेज होटलियर्स को मिलना चाहिए, अभी तो ये बिल्कुल टैक्सी वाला, अशकारा वाला, पोनी वाला उसको मिले, अब ये इसके बाद मिलना चाहिए होटलियर्स को, क्योंकि होटलियर्स ने काफी लॉस उठाया है, क्योंकि हम काफी आप देखते हैं होटल में डे टू डे मेंटेनेंस होती है, हमारा पैसा कितना लगता है होटल्स में, अगर फिर उसका रेवेन्यू ना आए तो वो हमारा सारा जेब से ही पैसा चला जाता है। मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट होगी कि कोई अच्छी सी पैकेज होटलियर्स को दी जाए। बिल्कुल शोएब, लगातार जिस तरीके से मामले कोविड के सामने आ रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मामले अभी कम जरूर हैं, लेकिन तीसरी लहर का खदशा बना हुआ है, ऐसे में सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि डेल्टा वेरिएंट की तादाद जो है मामले उसके ना बढ़ जाए, इसलिए रोक लगाई गई है गैर मुल्की परवाजों को लेकर। लेकिन जैसे कि तारिक गनी साहब ने भी कहा है कि होटल्स वालों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कैसे हो, क्योंकि एक बड़ा तबका इस पेशे से जुड़ा हुआ है। पड़ेगी इस इंडस्ट्री की तरफ, क्योंकि मैंने जिस तरह से पहले कहा कि नुकसान तो तमाम जो कारोबारी है, चाहे वो किसी भी तरह से सैयाह से जुड़े हुए हो, टूरिज्म से जुड़े हुए हो, उनको उठाना पड़ रहा है। अगर इंडस्ट्री पूरी तरह से नुकसान में जाती है तो क्या सरकार कोई सब्सिडी देने के लिए या कुछ इस तरह से कुछ जो कदम है वो उठाएगी, ये थोड़ा देखना होगा, क्योंकि इस मामले में हमने यही देखा है कि अभी तक कोई जो कोशिश होनी चाहिए थी इस पूरे इशू को लेकर, और भी इंडस्ट्रीज है ऐसी, ना सिर्फ टूरिज्म बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज पर भी बहुत बड़ा जो असर है वो पड़ा है और नुकसान उठाना पड़ रहा है तमाम लोगों को। लेकिन चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ऐसे कई सूबे हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो टूरिस्ट है वो आते हैं, तो चाहे होटल इंडस्ट्री हो या फिर जो दूसरे हिल स्टेशन पर अलग अलग तरह से सैयाह वहां घूमने आते हैं, तो उन तमाम लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है।
अब अगर तीसरी जो लहर है उसको रोकने में कामयाब होता है हमारा मुल्क, तो यकीनन उसके बाद सरकार हो सकता है इस दिशा में कुछ ऐलानात करे, कुछ तमाम जो सयाह है गैर मुल्की उनको जब आने की इजाजत हो तो अलग अलग तरीके से कुछ राहत इस इंडस्ट्री के लोगों को दी जाए सरकार की तरफ से, तो वो तभी देखना होगा। फिलहाल तो यही है शबनम की लोगों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, कई जगहों पर जो माली हालत है वो लोगों की कमजोर हुई है, कई तरह से लोग जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री में, होटल तो है ही, एक तो रहने के लिए जो होटल थे, इसके अलावा खाने पीने से रिलेटेड जो चीजें हैं, उसके अलावा आप देखें कि राजस्थान में कई और तरीके से प्रोविंस से लोग जुड़े हुए हैं, इसी तरह उत्तराखंड में कई अलग तरीके से लोग पूरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो इन तमाम चीजों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि जो हमारे देश के लोग हैं वो जरूर पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं, इस पैंडेमिक की वजह से तमाम लोगों को खासी परेशानियां तो हो ही रही है, कारोबार ठप हो गए हैं, तमाम लोगों के साथ ये दिक्कत बनी है, और खासकर टूरिज्म डिपार्टमेंट की, टूरिज्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान टूरिज्म को होता नजर आ रहा है। तारिक अनी साहब, क्या आपने टूरिज्म एक्सपर्ट के तौर पर या एक एसोसिएशन के तौर पर आपने इंतजामिया से बात करने की कोशिश की है, उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि ये पैंडेमिक ऐसा नहीं है कि अभी ही रहने वाला है, आने वाले वक्त में भी इस तरह की सूरत हाल हो सकती है, तो इसको लेकर क्या आपकी इंतजामिया के किसी अहदेदार से बात हुई है? जी, हमारी एक मीटिंग हुई है डायरेक्टर टूरिज्म से, उसके बाद हमने सेक्टर टूरिज्म को प्रपोजल दिया है कि मतलब किस टाइम किस हिसाब से हम रिवाइव कर सके, हमारी क्या नीड्स हैं, हमें क्या कंपनसेट किया जाए या हमें कोई पैकेज दिया जाए। अब हम एक पैकेज बना रहे हैं जो कि हम 2-3 दिनों में ऑनरेबल एलजी के पास जा रहे हैं, तो एलजी साहब को हम सब कुछ ये अपना पैकेज दे रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं उनको, एक तो हम उनको बोलते हैं हमें कैश असिस्टेंट दे दीजिए आप, जो मतलब बिल्कुल ना कैश असिस्टेंट हो जिसमें कोई इंटरेस्ट बिल्कुल ना लगे, ताकि हम अपना ये टूरिज्म रिवाइव, क्योंकि हमारे पास इससे काफी लोग जुड़े हुए हैं, हमें सैलरीज देनी होती है, स्टाफ आधा स्टाफ हमारे पास ऐसा भी है जिनको हम टर्मिनेट भी नहीं कर सकते, निकाल भी नहीं सकते, 30-40 साल के कुक्स हमारे पास है, शेफ्स पड़े हैं, तो उनको कहाँ से हम निकाले। इसलिए हम आप एक एज एसोसिएशन जे एंड के होटलियर्स क्लब जो जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंट करती है उसके लिए हमने एक पैकेज बनाया है, हमने ऑनरेबल एलजी साहब से अपॉइंटमेंट ली है, 1-2 दिन में हम उनको चाहते हैं कि हमें कैश असिस्टेंस दी जाए ताकि छोटे से बड़े होटल वाले तक सब इसमें ये एडजस्ट हो जाए और अपना मामूल का कारोबार कर सके और ये जो हमारी क्राइसिस है, क्रैश क्रंच हुआ है, इससे हम निकल आए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इंतजामिया तक आपने अपनी बातें पहुंचाई है और इंतजामिया के बस में रहता है तो वो इस पर काम भी करेगी, आपकी फरियाद को सुनेगी। बहरहाल तारिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। शुएब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर हिन्दुस्तान ने गैर मुल्की परवाजों पर पाबंदी 31 अगस्त तक बढ़ा दी है, यानी कि तौसी कर दी है, इससे टूरिज्म इंडस्ट्री को खासा नुकसान उठाना पड़ा है।